22 जुलाई सन 2022 आज का पंचांग, आज की तिथि वार नक्षत्र योग करण की संपूर्ण विस्तृत जानकारी। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित हुआ हूँ दैनिक पंचांग का कार्यक्रम लेकर के। दैनिक पंचांग 22 जुलाई सन 2022, आज की तिथि वार नक्षत्र योगकरण की संपूर्ण और विस्तृत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आज का राहु काल का अशुभ समय क्या रहेगा, अभिजीत मुहूर्त और गुलिक काल का शुभ समय क्या रहेगा, आज कौन से दिशा में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए, इन तमाम बातों की जानकारी भी हम आपको देने वाले। चलिए शुरू करते हैं। श्रावण माह वर्षा ऋतु कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि के साथ सूर्यदेव उदय होगी। नौमी तिथि 9:34 प्रातः काल तक रहेगी, उसके बाद दसवीं तिथि होगी। आज का वार शुक्रवार है। आज भरणी नक्षत्र 4:25 सायंकाल तक रहेगा और तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र होगा। सूल योग 12:23 मध्याह्न काल तक रहेगा, उसके बाद गंड योग होगा। आज गर्करण 9:35 प्रातः काल तक और उसके बाद वणिजकरण होगा। राहु काल का अशुभ समय आज प्रातः काल 10:44 से लेकर के मध्याह्न काल 12:27 तक रहेगा। अभिजीत का शुभ मुहूर्त 11:59 से लेकर के 12:55 मध्याह्न काल तक रहेगा। गुलिक काल का समय आज 7:19 प्रातः काल से लेकर के प्रातः काल 9:02 तक का रहेगा। राहु काल में किसी भी नए व शुभ कार्य को करने से बचना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त और गुलिक काल में सभी शुभ कार्य किए जाते हैं। अभिजीत मुहूर्त में धर्म कर्म पूजा पाठ दान पुण्य के कार्यों को करना चाहिए। गुलिक काल में यात्रा व्यवसाय नौकरी से संबंधित दैनिक दिनचर्या के कार्यों को किया जाए। आज का जो दिशा सूल है वह पश्चिम दिशा का है। पश्चिम दिशा में आपको विशेष रूप से यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन अपने कामकाज नौकरी व्यवसाय को लेकर के पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो निश्चित ही आपको कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसी खास काम के आवश्यक स्थिति में पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं तो घर से जौ का सेवन करने के बाद ही पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करिए। जब भी आप यात्रा के लिए निकलें घर से, उस समय देखें जिस भी नासिका क्षेत्र में से श्वास अच्छी तरह चल रहा हो, गतिमान स्थिति में हो, उसी तरफ के पैर का पहला कदम रखकर के यात्रा शुरू करें। निश्चित ही आपकी यात्रा सुखद व मंगलमय होगी। जिन भी दर्शकों का आज जन्मदिन है, सभी दर्शकों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। परम पिता परमेश्वर आपको यश आयु कीर्ति प्रदान करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। जन्मदिन पर पूजन अवश्य करिएगा। जन्मदिन पर किया गया पूजन व क्रूर ग्रह का दान 1 वर्ष तक लाभ देने का कार्य करता है, इसलिए जन्मदिन पर पूजन अवश्य करें। आप सभी का दिन शुभ हो, जीवन मंगलमय हो, यही हम मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।